दूसरे भी माध्यम हैं, सबके ऊपर हमारे हैं और हमारी इच्छा ये है कि हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारे लोग हैं यहाँ के, उनके साथ जो हम संवाद इस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो एक तरफी ना हो, उनकी तरफ से भी हमें जो सजेशंस मिलेगा उसके ऊपर हम कार्यान्वयन कर सकें, इस तरह से हम ये संवाद स्थापित कर रहे हैं। खासतौर पर आपको लगता है कि सोशल मीडिया के जरिए आप आम जनता से कनेक्ट हो पाए, क्योंकि आम जनता कहीं ना कहीं डर लगा रहता है कि वो पुलिस के पास की शिकायत, ये सब की शिकायत करें तो वो अपने सजेशन, अपनी शिकायत आप तक पहुंचाए। जी, और इससे अच्छा माध्यम आज के तारीख में कोई और नहीं है। दूसरे माध्यम भी हैं, पर एक सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसमें सब जुड़ गए, मोबाइल फोन आपका हो या इंटरनेट हो। आज की तारीख में युवा वर्ग तो इसमें चिपका हुआ है तो है ही, उसके सिवाय अभी सब वर्ग भी इसके साथ जुड़े हैं। ये एक ऐसा माध्यम है जो हमको एक बहुत अच्छा आउटरीच देता है, और ये सिंगल आउटरीच नहीं दे रहा है, हमको इंटरैक्टिव आउटरीच दे रहा है। तो इस माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि हम भी, हमको भी सुधरने में, सेवा करने में अच्छी तरह से लोगों के काम आ सके, इसमें काफी मदद जरूर होगा। खासतौर पर थोड़ी समय पहले अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस को से व्हाट्सएप के जरिए एक प्रयोग किया गया था, खासतौर पर जिसको समस्या है ट्रैफिक की वो अपलोड करते, काफी सारा रिस्पॉन्स मिला था। तो आपको लगता है कि अब इसके बाद ये जिस तरीके से फेसबुक के या गूगल से रहेगा वो उनके जरिए अहमदाबाद पुलिस को मदद मिलेगी? जी हाँ, इनफैक्ट व्हाट्सएप के ऊपर और फेसबुक पेज के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को काफी सजेशंस मिला है, जिन सजेशंस के ऊपर हमने काम की है। और आपको एक गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमारे ट्रैफिक पुलिस आज की स्थिति में एक ऐसे स्टेज पे सिटी को ले आई है जहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम भी अगर होता है तो बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, एक छोटे समय में ही रिस्पॉन्स इतनी अच्छी हमारी होती है कि हम रोड्स क्लियर कर देते हैं। और काफी ऐसे एरियाज हैं जिसके अंदर हम ट्रैफिक में अभी देख रहे हैं, शहर में किसी का समय रोड के ऊपर जाम के अंदर अथवा कोई दूसरे कारण से बिगड़े नहीं, ये हमारी एक प्रायोरिटी बन गई है। सर, इस वेबसाइट में अहमदाबाद पुलिस की ओर से क्या क्या अपडेट सिस्टम रहेगा, खासतौर पर जो आम नागरिक को इसकी जानकारी के लिए? हाँ, इसमें हम हर रोज क्राइम पे अपडेट देंगे। हमारे जितने भी नोटिफिकेशन जाहिरनामा है वो सब जाहिरनामा इन पे अपडेट में आएंगे। फिर हमारी एडवाइजरी होती है कई बार कि हमारे को इंटेलिजेंस मिलती है, सिटीजन्स को हम एडवाइज कर सकते हैं ये करो ये ना करो। हमारे पास अलर्ट आते हैं, वो अलर्ट हम इशू करेंगे, वो डायरेक्टली अगर आपका स्मार्टफोन है तो वो अलर्ट आपको स्मार्टफोन पे ही मिलेगा, आपको इंटरनेट पे जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ा माध्यम है कि आपको विद इन मिनट्स हमने अलर्ट इशू किया और पूरे के पूरे जितने सिटीजन हमारे पास फेसबुक पे है उसके पास वो अलर्ट पहुंच भी गया। तो उससे हमें कायदों और व्यवस्था में एंटी टेररिस्ट की जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं उसमें हमें मदद मिलेगी। और दूसरी जो है, कई बार हम जैसे हमने महिला सुरक्षा पे स्कीम लॉन्च किया या हमने महिला प्रोटेक्शन या सेल्फ डिफेंस पे स्कीम लॉन्च किया या हमने ट्रैफिक के लिए स्कीम लॉन्च किया, हमने स्कीम लॉन्च किया लेकिन कोई स्टूडेंट या कोई नागरिक ये समझता है कि इस स्कीम में ये और ऐड किया जाए तो शायद ये और ज़्यादा सिटीजन फ्रेंडली बन जाए या ज़्यादा असरकारक बने। तो मीडिया में ये ताकत है कि उस स्कीम को भी हमें सुधारने की हमें सजेशन मिले और उससे वो स्कीम सिटीजन फ्रेंडली बनेगी। नहीं तो पहले ये सोचता था कि पुलिस वाला ऐसा करता है, ये लागू तो होता ही नहीं है, इसमें कोई असर भी नहीं पड़ता है तो क्यों करता है, तो माध्यम नहीं था। अभी वो फेसबुक पे पूरा का पूरा कमेंट डाल सकता है। और ये वेस्टर्न पुलिस में, आपके यूएस में, यूके पुलिस में राइट्स में फेसबुक और ट्विटर ने बहुत बड़ा मदद किया था राइट्स को रोकने में। जब यूके पुलिस में राइट्स फैल रहे थे तो उन्होंने ब्लैकमेरी के माध्यम से सभी सिटीजन्स को जो र्यूमर चल रही थी उन र्यूमर को रोकने में ट्विटर ने और फेसबुक ने बहुत बड़ी मदद की थी। तो लैंड ऑर्डर में भी ये बहुत बड़ी मदद हमें कर सकता है और सिटीजन को र्यूमर से बचा सकता है। बिल्कुल, उनकी पिक्चर भी हम डालेंगे, जैसे वांटेड है और हमारे पास केस में हमने वांटेड डिक्लेयर किया, कोर्ट ने वांटेड डिक्लेयर किया, उनकी पिक्चर्स भी हम डालेंगे। और सिटीजन भी अगर रिपोर्ट करना चाहता है, अभी क्या है सिटीजन को कई बार क्या होता है कि मैं पुलिस के पास क्यों जाऊं, मेरा टाइम वेस्ट होगा, या मैं फ़ोन करूं मेरे फ़ोन का बिल आएगा। इस माध्यम में ना तो उसका टाइम वेस्ट होता है ना उसका बिल आता है,
उसने अगर वो फेसबुक पे है, उसने फेसबुक खोला, उस पर अपलोड किया या कमेंट डाला और हमारे पास पहुंच गया, और हमारी टीम रहेगी जो उस कमेंट पे एक्ट करेगी। नहीं, हम एक इसके वी विल मैनेज, इनफैक्ट टेनेंट्स वी विल शिफ्ट थ्रू देम एंड ट्राई टू सी ऑफ व्हाट वी कैन डू विद द बेस्ट ऑफ देम, एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी शुड बी एबल टू हैंडल इट प्रॉपरली। माई ओनली रिक्वेस्ट इज डोंट जज अस इन द फर्स्ट फ्यू डेज, बिकॉज देर विल बी अ लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड वी माइट टेक अ बिट ऑफ टाइम टू रिएक्ट टू देम, सो लेट गिव अस सम टाइम, इट इज फॉर यू, इट इज फॉर द पीपल एट लार्ज, एंड वी होप टूगेदर वी विल मेक इट अ मच बेटर प्लेटफॉर्म। We can think of it and we can do something like that. So you will be able to know ki what kind of comment are coming and what kind of reply we are giving. सबसे बड़ा इसका जो सबसे बड़ा जो फायदा है वो ट्रांसपेरेंसी है। कई बार लोगों को ये भ्रम रहता है कि पुलिस में ट्रांसपेरेंट नहीं है, उन्होंने सच नहीं बताया होगा, उन्होंने गलत बोला होगा, तो उसके उसके भ्रम में एक परसेप्शन है, दूरी बढ़ती है। लेकिन इसमें दूरी बढ़ने का सवाल ही नहीं है, सब कुछ तो ट्रांसपेरेंट है। आपने क्या बोला, हमने क्या रिप्लाई दिया, एवरीबॉडी कैन सी। और इसमें एक चीज और है, ये एक भागीदारी है, साथ पुलिस की और मीडिया, ये तीनों की भागीदारी में सोसाइटी को कितना फायदा हम पहुंचा सकते हैं, हम उस दिशा में काम करें। सोशल मीडिया हैज बीन यूज इन बिट्स एंड पीसेस बाय अ लॉट ऑफ पुलिसेज इन इंडिया एंड अब्रॉड ऑल्सो, बट वी आर ट्राइंग टू मेक इट क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एंड टू कवर अ मच वाइडर एरिया। थैंक यू। आपको लगता है कि आज के समय में जिस तरह से अपराध बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया के जरिए आप जनता से कनेक्ट हो रहे हैं, तो बढ़ते अपराधों पर आप कंट्रोल भी कर रहे हैं, खासकर देखिए इसका मुख्य हेतु पुलिस के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो पहला तो प्रिवेंशन ऑफ क्राइम है, दूसरा डिटेक्शन है। छोटी मोटी पहले अगर आपको ख्याल हो कोई टीवी की सीरियल्स चलती थी जिसमें मोस्ट वांटेड बताया जाता था और हफ्ते 10-15 दिन के अंदर वो मोस्ट वांटेड को कोई साइड कर लेता था और वो पकड़ा जाता था। एक छोटा सा ये दाखला है, तो आप इसका व्याप समझिए कितना बड़ा व्याप होगा। आज हम मुझे देखने के लिए पुलिस की आंखें तो है, आपकी भी आंखें हमारे साथ जुड़ जाएंगी, देखने के लिए सुनने के लिए बहुत चीजें ऐसी हैं जो एरिया हमको मिलने वाला है। इस सहभागी होके हम इस दिशा में ही सोच रहे हैं, ये पूरी की पूरी चीज प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ क्राइम को फोकस मद्देनजर रखते हुए आगे हम बढ़ेंगे। और वो सिटीजन को उसके बाद कोई हमारा पुलिस का स्टाफ इसको मैनेज करेगा। और इसमें एक हमने आपको बताया कि सिटीजन कोप में यही है कि इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे जो आदमी पुलिस को मदद कर रहा है क्राइम प्रिवेंशन में, डिटेक्शन में या लैंड ऑर्डर में, हम उसको ऑनर करेंगे, मंथली हम उसको ऑनर करेंगे। हम जैसे रेडियो मिर्ची से भी टाइप किया है, तो वी विल पब्लिसाइज कि दिस पर्सन थ्रू सोशल मीडिया उसने हमारे को मदद किया है पुलिस को एज ए कोप, तो उसको सिटीजन कोप का खिताब देंगे और उसको ऑनर करेंगे पब्लिकली ऑनर करेंगे।